subscribe to our channel and press the bell icon. अजीज तलबा तालिबात, आज हम जमात नौम की संतवानी बहु हा दयाड़ू इसका मुताला करेंगे। संतवानी दोन बहु हा दयाड़ू संत चौक मेड़ा। संत चौक मेड़ा यहाँ जन्मशक उपलब्ध नहीं। संत चौक मेड़ा इनकी जो तारीख पैदाइश है वो हमें हमारे पास मौजूद नहीं है। ईसवी सन 1338 ला हत्यांचा समाधिशक सांगितला जातो। ईसवी सन 1338 को उनकी समाधि हुई थी, यानी उन्होंने समाधि ली थी, इंतकाल हुआ था ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, समाधि लेने का मतलब है कि उनका इंतकाल होना। आमतौर पर जो संत होते हैं या जो लोग होते हैं संत कहलाते हैं, वो लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो इंतकाल नहीं करते बल्कि समाधि लेते हैं। संत चौक मेड़ा यांच्या अभंगातून भक्ताच्या हृदयातील कारुण्य जसे प्रकट होते, तशी सामाजिक विषमता उपेक्षा याबद्दलची खंती व्यक्त होताना दिसते। संत चौक मेड़ा इनके जो अभंग है, अभंग आमतौर पर उन रजमिया नज़मों को कहते हैं जो अकीदत में यानी भक्ति में उनके दिल से निकलती है, यानी भक्त के दिल से निकलती है। तशी सामाजिक विषमता उपेक्षा या बदल खंती व्यक्त होता ना दिसते। अब इसमें जो समाजी भेदभाव है और उपेक्षा है उसके बारे में भी उन्हें दुख है, खंत है, उसका इजहार कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, यानी इजहार करना ऐसा नज़र आता है। भागवत धर्माचे सार त्यांच्या व्यक्तित्वात त्यांच्या कृतियुक्तीत अनुभवायला मिळते। भागवत धर्म का खुलासा, सार यानी खुलासा, उनके व्यक्तित्व यानी के शख्सियत में त्यांच्या कृतित यानी उनके अमल में उक्तित अनुभवायला मिळते, और उसका हमें यहाँ पर एक किस्म का तजुर्बा होता है। अनुभव आयला होने मंजे तजुर्बा होना। प्रस्तुत अभंगातून संत चौक मेड़ा यानी परमेश्वराच्या कनवाड़ो रूपाचे वर्णन केले आहे। इस अभंग में संत चौक मेड़ा ने खुदा का कनवाड़ो, कनवाड़ो यानी जो बहुत दयालु है, रहमान है, रहीम है, उसका यहाँ पर जिक्र किया है, वर्णन किया है। चलिए पहले इस अभंग को पढ़ लेते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका खुलासा समझाऊंगा, उसका भावार्थ समझाऊंगा। बहु बहुत कनवाड़ू बहु हा दयाड़ू जाने लड़ा पाड़ू भाविकांचा जात वित्त गोत ना पाहीचे काही घालावी ही पाई मिठी उगी ना मागता आभारी आपे आप हो तो भविकासी दे तो भुक्ति मुक्ति चोका मने ऐसा लागवी श्री हरि भव भय तारी दरुशने भव भय वारी दरुशने। ये अभंग जो है संत चौक मेड़ा ने लिखी है। अब इसके जो अल्फाज मायने हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ बहुत ही पुरानी मराठी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे बहु बहु कहते हैं ज़्यादा को यानी खूब, कनवाड़ू कनवाड़ू कहते हैं निर्मम निर्मल यानी बहुत ही ज़्यादा दयालु या ममता रखने वाला दिल, जाने जाने ये पुरानी मराठी में इस्तेमाल किया जाता था जानते के लिए, लड़ा लड़ा आमतौर पर ये मोहब्बत या प्रेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भाविक भाविक किसे कहते हैं, आमतौर पर भाविक कहते हैं जो शख्स उसका अकीदतमंद होता है उसे भाविक कहते हैं, भक्त होता है, उपासक होता है उसे कहते हैं। उगी उगी के मायने निमुट शांतपने यानी खामोशी से किसी चीज़ का इजहार करना, समझना। आभारी आभारी किसे कहते हैं, आभारी यानी कृपामय, जो रहम करता है, रहम के बाखायल है। आपे आप यानी हम कहते हैं ना आपो आप, यानी स्वतः खुद से सहज सीधा साधा। भुक्ति भुक्ति यानी के ज़िंदगी जीने का तरीक़ा, जगने श्रेय। मुक्ति मुक्ति कहते हैं मोक्ष को, यानी जिसमें आपको
नजात मिल जाती है। तो मुक्ति के माने नजात के भी होते हैं। लाघवी, लाघवी कहते हैं प्रेमण को, प्रेमण यानी जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, दिल लगाने वाला है। भव भय, भव भय आमतौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, भय के माने खौफ के है, भीति के है। अब भव भय तो संसार की भीति यानी पूरे जितना भी जितने भी लोग हैं इस दुनिया में या इस समाज में, उनसे डरना, खौफ करना। वारी, वारी के माने होते हैं निवारण करने, घालवने यानी किसी चीज़ का निवारण करना। दरुशने, दरुशने यानी दर्शाने, दर्शन लेना यानी किसी से मुलाकात करना। अब देखेंगे जात वित्त गोत पाहत नाही, अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। ये बहुत ही खसूसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर बयान करने की जाते हैं। इस संत चौकमेड़ा के इस अभंग का खुलासा हम बयान करते हैं। संत चौकमेड़ा ने अपने अभंग में बयान करने की कोशिश की है कि परमेश्वर जो है ये बहुत ही ज़्यादा दयालु है, बहुत ही ज़्यादा कृपालु है, और हर जिसका मन भक्ति में लगता है वो उससे प्रेम करता है, और वो किसी जात वीत कुछ देखता नहीं है, कि सबको एक जैसा समझता है, जो चाहे अमीर हो गरीब हो, परमेश्वर यानी खुदा उसमें भेदभाव नहीं करता, और परमेश्वर के करीब जो जाता है, उसे जो सजदा करता है, तो उसके सजदे में रहने से उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। परमेश्वर भक्त के जो भी मांगना है, मांगनी है, उससे उसे पूरी करता है, जबकि अपने खुद तो कुछ नहीं मांगता। अब इसके ऊपर क्या उपचार है, इसका क्या तरीक़ाकार है? कुछ भी नहीं मांगकर परमेश्वर अपने भक्त के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कृपामय रहता है, और बहुत ही ज़्यादा अपने भक्त को नजात देने की कोशिश करता है। अब भक्त को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, अकीदतमंद को खुदा से इस चीज़ का लगाव रखना चाहिए। अब जगन्याचा भोग ही शिकू तो संत चौकमेड़ा म्हणतात, और यानी संत चौकमेड़ा, चौका मने ऐसा लाघवी श्री हरि। अब संत चौकमेड़ा कहते हैं कि अब ये श्री हरि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं श्री हरि विष्णु के लिए, जो उनके एक देवता है, संत चौकमेड़ा कहते हैं कि ऐसा परमेश्वर प्रेमण है, कृपाणु है, दयाणु है, और उसे हम मानते हैं, जानते हैं। वो जब भी दर्शन देता है तो एक भक्ति का सागर हमारा उलटने लगता है, और हमारे तमाम दूर दूर हो जाते हैं, जितने भी दुख है, दर्द है, वो खौफ है, वो सब दूर हो जाते हैं, और हम खुदा के करीब अपने आप को महसूस करते हैं। संसार में मौजूद तमाम खौफ, तमाम डर ख़त्म हो जाते हैं। ये जो नज़्म है, ये जो संतवाणी थी, ये यहाँ पर ख़त्म होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।